जन सिंह सरी तार रहे थे किसा तमाम सुना होगा रे किसा तमाम सुना होगा आता है प्रेमी सजनों। वो काम आया भगत सिंह, धन्यवाद जिन भी श्रोताओं ने मान सम्मान किया उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। और इनके परिवार के बारे में जिक्र करा और क्यों करके लिखा है पहली बात की माध्यम से सुनेगा। चला चला का चरखा
और आजादी तुलाने आले सौदा करके सरगा। आजादी नहीं हुए नहीं आई, आजादी क्यों कराई क्या बताया दूसरी बात में। उनसे एक बात कहना चाहूंगी, अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। हाँ, कान सीधा कर लिया। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दो गजमी नहीं मिलेगी दफन के लिए, और मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, ये हसीना भी उतार देगी दुपट्टा तुम्हारे इस कफन के लिए। बात अच्छी लगे तो ताली बजा दिया करो, तारा के चूड़ी होने का है, ताली बजाओ जोरदार। बोले भारत माता की, ¡Gracias!
पे विराजमान अंग्रेज हुआ करते थे प्रेमी सज्जनों। अंग्रेजों को डराने के लिए विधानसभा के अंदर घोड़ा मार दिया जाता है, सरकारी हुक्म होता है कि भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रेमी सज्जनों, लेकिन घबराता नहीं है, क्योंकि वो था असली वीर जिसका नाम हम याद भी करते हैं लेकिन कुछ लोग याद नहीं करते। कहते हैं कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन। प्रेमी सज्जनों मरते वक्त भी घबराए नहीं, जब मरने का टाइम आया फांसी का समय था, राजगुरु सुखदेव आपस में गले मिलन लग रहे और भारत माता के जयकारे लगाने लग रहे थे, लेकिन अंग्रेज तो रुकया नहीं गया। न्यू बोला तुम नाज फांसी लागन लाग रहे हो और तुम मसल लाग रहे हो, तो भगत सिंह ने जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं मर गया तो मारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, रे मैं मर गया तो मारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे मर के वीर भगत सिंह कहीं और बतेरे हो जाएंगे। बोली भारत माता की। आया ज्योति गली के माध्यम से कवि ने निचोड़ करे और तेरे लिए सुनो सभी नर नारी।